एवाग इलेक्ट्रिक स्कूटर के कारण और आगे का रास्ता। भारत के ईवी उद्योग के विशेषज्ञ इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने के कारणों, आगे की राह और खराब निर्मित उत्पादों की चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटनाओं की एक बड़ी संख्या के साथ बढ़ते ईवी ब्रांडों की सुरक्षा और उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में बहस और चर्चा बढ़ रही है। पिछले एक हफ्ते में पूरे भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की बैक टू बैक घटनाओं के साथ चर्चा और भी गर्म हो गई है। लेकिन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में आग लगने का क्या कारण है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम और बैटरी में शॉर्ट सर्किट से होने वाली आग को रोकना कितना मुश्किल है? तेजी से बढ़ते ईवी सेगमेंट में वास्तव में क्या गलत हो रहा है, यह जानने के लिए कार एंड बाइक ने बैटरी सेल निर्माताओं, ईवी ओईएम और अन्य सहित भारत के इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र के विशेषज्ञों तक पहुंच बनाई। सुरक्षा पर ध्यान दें, हाल के दिनों में ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा और प्यो ईवी के इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की घटनाओं के साथ, जिसके परिणाम स्वरूप एक ईवी मालिक और उसकी किशोर बेटी की दुखद मौत हो गई। भारत सरकार ने अब घटनाओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र टीम की प्रतिनियुक्ति की है। विवरण जमा करना, विचार नई मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपी को विकसित करना है, नए सुरक्षा दिशा निर्देश तैयार करना और कई इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरी प्रबंधन प्रणाली और कोशिकाओं के प्रकार के आसपास नए नियम भी तैयार करना है। चार दिनों की अवधि में दर्ज किए गए सभी चार मामलों में ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर स्वतः ही घने धुएं में बदल गए और फिर आग लग गई। ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर की घटना में आग पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल में फैल गई और पिता और बेटी अपने घर के अंदर फंस गए, जिससे उनकी दुखद मौत हो गई। प्रारंभिक रिपोर्ट में पुराने चार्जिंग सॉकेट के अनुचित उपयोग का संकेत मिलता है, जिससे संभवतः शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लग गई। अन्य स्कूटरों में आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि प्यो ईवी और ओला इलेक्ट्रिक दोनों अपनी अपनी जांच कर रहे हैं और उनके निष्कर्षों की रिपोर्ट करने की उम्मीद है। लेकिन इन बढ़ती घटनाओं ने बैटरी पैक और बैटरी प्रबंधन प्रणालियों के संबंध में ईवी सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और संबंधित सुरक्षा उपायों पर पूरी तरह से प्रकाश डाला है। उद्योग पर्यवेक्षकों का एक वर्ग यह मानता है कि ईवी में आग सेल और बैटरी डिजाइन के कारण होती है, क्योंकि ये उच्च तापमान और उस इलाके के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं जहां विशिष्ट भारतीय उपभोक्ता ईवी का उपयोग करते हैं। लेकिन यह केवल बैटरी डिजाइन या दोषपूर्ण बैटरी प्रबंधन प्रणाली से कहीं अधिक है। BMS जो इस तरह की आग का कारण बनते हैं, जैसे कार एंड बाइक को पता चला, बाजार में लगभग हर दिन ईवी की गुणवत्ता का बड़ा सवाल है। और क्या सुरक्षा को विनियमित करने और आग जैसी खतरनाक घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त जांच और संतुलन है? थर्मल रनवे एंड सेल के मिस्ट्री थर्मल भगोड़ा बैटरी के एक सेल में तापमान में तेज और अत्यधिक वृद्धि है। जब कोशिकाएं गर्म होती हैं और आसन्न कोशिकाओं में समान प्रतिक्रिया शुरू करती हैं, तो इसे थर्मल भगोड़ा प्रसार के रूप में जाना जाता है। जब थर्मल भगोड़ा होता है तो यह धुआं, आग और यहां तक विस्फोट भी पैदा कर सकता है। हाल ही में इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने के सभी संकेत हैं। ईवी बाजार के लिए बैटरी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी प्रदाता एक्सपोनेंट एनर्जी के सह संस्थापक और CEO अरुण विनायक के अनुसार, बैटरी में आग लगने की 99% घटनाएं शॉर्ट सर्किट के कारण होती हैं, जिससे बैटरी सेल का तापमान बढ़ जाता है। थर्मल भगोड़ा कहा जाता है। विनायक, जो एथर एनर्जी के सह संस्थापक और मुख्य उत्पाद अधिकारी भी थे, कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट, खराब सेल गुणवत्ता, बैटरी की खराब भौतिक डिजाइन और खराब बैटरी प्रबंधन प्रणाली BMS के लिए होता है। लॉग 9 सामग्री उन्नत बैटरी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक और बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप है,
कंपनी की स्थापना 2015 में आईआईटी रुड़की में तीन दोस्तों द्वारा की गई थी और अब यह उन्नत ऊर्जा भंडारण तकनीकों को विकसित करने पर काम कर रही है। कारंत बाइक से बात करते हुए लॉग नौ मटेरियल्स के सह संस्थापक कार्तिक हजेला ने कहा कि ईवीएस में आग लगने की परिस्थितियां मुख्य रूप से दो व्यापक कारणों बैटरी केमिस्ट्री और अनुचित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग के कारण हैं। इसका एक कारण यह है कि भारतीय ईवी सेगमेंट के कई खिलाड़ियों के पास ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें ठीक से री इंजीनियर नहीं किया गया है। बैटरियों की सेल केमिस्ट्री को फिर से समूहीकृत किया जाना चाहिए और हमारी जलवायु परिस्थितियों और इलाके में कुशलता पूर्वक संचालन के लिए तापमान को लचीला बनाया जाना चाहिए। उचित सेल केमिस्ट्री होने का मतलब है कुशल थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम और लचीला तकनीक होना। खजेला ने कहा ईवी सेगमेंट समेकित होगा लेकिन अभी OEM के बीच ऐसे लोग हैं जो उत्पाद विकास में उचित री इंजीनियरिंग और इनोवेशन का उपयोग करने के बजाय रीब्रांडेड उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। यह कहना नहीं है कि सभी खिलाड़ी एक जैसे हैं, कि कुछ OEM ऐसे हैं जिन्होंने अपने उत्पादों को अच्छी तरह से इंजीनियर किया है और एक महत्वपूर्ण R&D और परीक्षण चक्र से गुजरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहां सुरक्षा और अच्छे उपयोगकर्ता अनुभव के मूलभूत पहलुओं की अनदेखी की जाती है। ये समस्याएं पैदा करते हैं और फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी बिक्री के साथ तालमेल नहीं रखा है। वास्तव में होम चार्जिंग को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि दर्जी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर न हो। तकनीक को पारंपरिक सॉकेट पर होम चार्जिंग को बढ़ावा देने के बजाय समर्पित फास्ट चार्जिंग के लिए आगे बढ़ना चाहिए। खजेला ने कहा सेल चयन गुणवत्ता और पैकेजिंग पर ध्यान दे। सेल चयन और गुणवत्ता जांच की गुणवत्ता का मुद्दा भी है। कुछ पर्यवेक्षकों के अनुसार शॉर्ट सर्किट सेल की ग्रेडिंग, उन्हें कैसे सॉर्ट किया जाता है, बैटरियों में किस तरह के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है और अंत में बैटरी पैक के डिजाइन के कारण भी होता है। बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप ओबेन इलेक्ट्रिक ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ओबेन रोड लॉन्च की है। हमें एक ईवी डिजाइन करने में विचार करना होगा जो जनसांख्यिकीय की आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारत में कुछ क्षेत्रों में परिवेश का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बैटरी पैक के लिए कूलिंग सहित एक उचित शीतलन समाधान तैयार किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी के साथ साथ एक हीट सिंक प्रभावी बैटरी सेल चयन पर भी निर्भर करती है। किस तरह की कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है और उन्हें कैसे रखा जाता है। जिस तरह से कोशिकाओं को बैटरी में रखा जाता है वो प्रदर्शन को बदल देता है। फिर BMS को भी सेल का ध्यान रखना पड़ता है संतुलन। यदि कोशिकाओं को ठीक से संतुलित नहीं किया जाता है तो अनुचित सेल संतुलन के कारण थर्मल पलायन हो सकता है। ओबेन इलेक्ट्रिक के सह संस्थापक और CEO दिनकर अग्रवाल ने कहा हमारे उत्पादों में ऑनबोर्ड चार्जर में एक ऑटो कट ऑफ सिस्टम है और टेलीमेटिक्स को बैक एंड में डैशबोर्ड के माध्यम से वाहन और बैटरी का मापन किया जाता है। यह डैशबोर्ड सिस्टम में किसी भी विसंगति के लिए अलर्ट करेगा। में समस्या ईवी सेगमेंट भी व्हाइट लेबलिंग उत्पादों या अन्य बाजारों से उत्पादों की खरीद और री इंजीनियरिंग की प्रक्रिया या गुणवत्ता जांच और R&D की कड़ी प्रक्रिया से गुजरे बिना उन्हें रीब्रांडिंग करने के कारण भी है। मधुमिता अग्रवाल सेहो बेन इलेक्ट्रिक के संस्थापक और CEO तो सेल रसायन शास्त्र और सही गुणवत्ता चुनना हमेशा खराब गुणवत्ता वाली बैटरी के खिलाफ बीमा नहीं होता है जो थर्मल पलायन का कारण बनता है। बैटरी पैकेजिंग कोशिकाओं को एक साथ कैसे रखा जाता है, उन्हें यंत्रवत रूप से कैसे रखा और क्रमबद्ध किया जाता है और वे विद्युत रूप से कैसे जुड़ते हैं, थर्मल रनवे और संभावित शॉर्ट सर्किट से बचते हुए दक्षता और संभवतः सुरक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेषज्ञों का कहना है कि बिना उचित अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद विकास और री इंजीनियरिंग के बिना ब्रांडों की सफेद लेबलिंग का ईवी पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षा खामियों को छोड़ सकता है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से, जबकि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट अभी फल फूल रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए OEM साथ ही नियामक निकायों दोनों को ठोस प्रयास करने होंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ताओं को सही गुणवत्ता वाले उत्पाद दिए जा रहे हैं।